जय बजरंग बली, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुला राशि वालों, आज ये मघा नक्षत्र व्याघ्यात योग आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन लेकर आ रहा है, कैसी खुशी आपको मिलने जा रही है जीवन में, प्यार, धन, मान सम्मान, जीवन की उतार चढ़ाव में आज का दिन आपका कैसा गुजरने वाला है। तो तुला राशि वालों, राशिफल जानने से पहले चलिए हम थोड़ा आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। तुला राशि वालों, एक इंसान को अपने जीवन में क्या चाहिए होता है? एक सुख देने वाला जीवन साथी, जीवन चलाने के लिए आमदनी होनी चाहिए, परिवार में शांति मन को सुख देता है, अपने कर्म से उन्नति और जीवन की गति को बनाने के लिए मेहनत करना एक इंसान के जीवन का मुख्य लक्ष्य यही होता है। तो चलिए हम बताते हैं आज मघा नक्षत्र और व्याघ्यात योग में जब सूर्य और केतु का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा तो आज का दिन आपके जीवन में कैसा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, कितनी खुशियाँ मिलेगी, धन मान सम्मान प्यार की स्थिति कैसी होगी। तो तुला राशि वालों, सबसे पहले हम जीवन की बात करते हैं। आज सुबह से ही आपका दिन अच्छा होगा, आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी, थोड़ा अभिमानी होगा। सूर्य और केतु आपके भाग्य में परिवर्तन लेकर आ रहा है, साथ ही साथ शुक्र और चंद्रमा के कारण आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति बढ़ रहा है। आप अगर पुरुष हैं तो आपका आकर्षण स्त्री के तरफ होगा, आप अगर स्त्री हैं तो आपका आकर्षण पुरुष की तरफ होगा। आपके जीवन में तन का सुख पाने की लालसा जागृत हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहा है, चंद्रमा की दृष्टि केतु पर है, केतु आपके पराक्रम के भाव में बैठा है, वहीं राहु आपके भाग्य के भाव में, साथ ही साथ सूर्य और शुक्र का एक साथ होना आपके जीवन में रोमांस को चरम स्थिति पे पहुंचा रहा है। आज आप अपने जीवन साथी से तन का सुख, संतुष्टि प्राप्त करना चाहेंगे। जब आपको संतुष्टि मिल जाएगी फिर आपके लिए दिन सुंदर होगा, जीवन में उन्नति और प्रगति होगी, फिर आप मेहनत से काम करेंगे और छोटे छोटे काम करके भी आज अपने भाग्य में बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। क्योंकि मघा नक्षत्र व्याघ्यात योग आज आपके जीवन में बड़ा शुभ योग बना रहा है। आपके जीवन में सफलता तभी मिलेगी जब आपके मन में संतुष्टि होगी, मन शांत होगा, तन संतुष्ट होगा तो आप बढ़ चढ़ कर मेहनत करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे, उन्नति प्रगति सुख का भोग करेंगे। आज का दिन आपके लिए सुंदर योग बना रहा है। आज आप कर्म के रास्तों पर आगे चलें। तुला राशि वालों, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है, जीवन चलाने के लिए
घर परिवार में सुख शांति का भोग करने के लिए, परिवार की खुशी के लिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आप स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं, व्यापारी हैं, जो भी आप काम करते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ आपके मन के अनुसार चलता जाएगा। धन कमाने का योग बनेगा। जब धन मिलता है तो इंसान के मन में सुख पाने की लालसा होती है। जब सुख मिलता है तो मन में खुशी होती है। खुशी के बाद इंसान तरक्की उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। तो जीवन में उन्नति के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। तो आप अपने भाग्य को बदलने के लिए कर्म के रास्ते पर आगे जाएं। साथ ही साथ मघा नक्षत्र में आप हनुमान जी या फिर महादेव का दर्शन अवश्य करें। भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में सर्वाद सिद्धि योग बनाएगा। आप अपने भाग्य, अपने कर्म से अपने जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। हर तरफ सुख समृद्धि का आनंद लेंगे। जीवन में उन्नति और प्रगति होगी। आप कर्म के रास्ते पर चलें, अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करें, यानी अपने साहस, अपने हिम्मत से अपने जीवन में खुद उन्नति का रास्ता बनाएं। आप देखेंगे आपके जीवन में सब कुछ आपके मन के अनुसार चलता हुआ नजर आएगा। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। आज परिवार में खुशियां बढ़ेगी, खासकर जीवन साथी से प्यार मिलेगा। जीवन में जब खुशी, मन में शांति होती है तो वो दिन सुंदर और सुखद होता है। तो तुला राशि वालों, आज का दिन आपका सुंदर और सुखद होगा। रोजाना राशिफल जानने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। और हाँ, राशिफल जानने के बाद वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से जब आप कोई देवी देवता का नाम लिखते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, मन में खुशी जागृत होती है। जब ऐसा होता है तो इंसान सुंदर सोचता है, सुंदर काम करता है। अच्छे कर्म इंसान के जीवन में हमेशा खुशियाँ लेकर आती है। तो तुला राशि वालों, आप भी मेहनत करें, अच्छे काम करें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, आपके जीवन में आपका भाग्य जरूर बदलेगा। तो आज मघा नक्षत्र व्याघ्यात योग आपके लिए शुभ योग लेकर आया है। विजय भव। ओम नमः शिव।